हेलो मित्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईवी लाइव न्यूज पर। मैं आपका दोस्त रूपचंद साहू आज आपके सामने एक शानदार जानकारी पेश कर रहा हूं। हमारे सामने में है 7 सवारी बैठाने वाली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा। देश की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है जिसमें आप 7 सवारी आरटीओ से पासिंग मिलने वाली है। तो आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे, इसमें क्या क्या फीचर मिलेंगे, क्या क्या इसकी में फैसिलिटी है, कितनी सवारी आप बैठा सकते हैं, कीमत क्या है, रेंज क्या है। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी हमारी आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले और पूरी जानकारी मिल पाएगी। इसमें दो मॉडल आते हैं जिसमें कि 7 सीटर जो है 6 सवारी और एक ड्राइवर वाली है, उसमें एक 5 बैटरी वाली है और एक लिथियम बैटरी वाली है। दोनों गाड़ी अलग अलग है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, कीमत में क्या डिफरेंस है, रेंज में क्या डिफरेंस है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग भी ई रिक्शा न्यू खरीदना चाहते हैं उनको सही जानकारी मिल सके। किसी भी रोड पर आप आराम से चला सकते हैं और इसमें डबल शॉकअप मिलेगा आपको दोनों साइड में। इसके बाद में आपको बीच में सम्राट की ब्रांडिंग मिल जाएगी और लिखा हुआ मिल जाएगा 6+1, यानी कि 6 सवारी और एक ड्राइवर। दो प्यारे से हेडलाइट मिल जाएंगे दोनों साइड में, साथ में लगा हुआ इंडिकेटर मिल जाएगा और इसमें एलईडी लाइट लगी हुई है। शायद बीच में आपको सम्राट की ब्रांडिंग का लोगो मिल जाएगा जो कि एकदम सेंटर में लगा हुआ मिलेगा। इसके बाद में एक बहुत बड़ा सा ग्लास मिल जाएगा जिसके ऊपर आपको सिंगल वाइपर मिलेगा और इसका वाइपर ऊपर की तरफ से है। सभी गाड़ियों में नीचे से रहता है लेकिन इसमें ऊपर की तरफ से है और ये वाइपर आपकी गाड़ी का ग्लास पूरी तरह से बारिश के टाइम में साफ कर सकता है। दोनों साइड में आपको साइड ग्लास मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप इस प्रकार से इसके साइड ग्लास है। और साइड ग्लास काफी शानदार है, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो मित्रों, ये जो साइड ग्लास है काफी शानदार है, इनमें कुछ अलग से फीचर है। आप इसको कहीं भी जहां पे आपको रखना है वहां पे रख के आप इसको फिक्स कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा एडजस्ट कर सकते हैं और बहुत बढ़िया है इसका जो सिस्टम। इसके बाद मैं इसका डैशबोर्ड दिखा देता हूं। तो मित्रों, जो इसका डैशबोर्ड है इस पे आपको डिजिटल मीटर मिलने वाला है, देख सकते इंडिकेटर चालू है, इसका आपको सिग्नल दिख जाएगा और अभी सिर्फ 14 किलोमीटर चली है, बराबर। तो एकदम न्यू गाड़ी है, अभी सिर्फ 14 किलोमीटर चली है। जो भी इसको ट्रक वगैरह में लोड करने के लिए प्लांट से बाहर निकालते हैं सिर्फ उतनी ही चली हुई है। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएंगे और यहाँ पे गाड़ी के बारे में पूरी मतलब जानकारी दी हुई है कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी ड्राइविंग करते समय। जो इसका हैंडल है काफी स्मार्ट है, बहुत बढ़िया। इसका जो फिनिशिंग है, डिजाइन है, काफी शानदार मिलने वाली है। इसमें आपको स्पीड के 3 मोड मिलेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, एक गियर के जैसे काम करेंगे। ये हेडलाइट मिल जाएगी आपको, यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे और ये अपर डिपर है क्या, ये अपर डिपर का स्विच आपको यहाँ पे मिल जाएगा। न्यूट्रल, ड्राइविंग मोड और रिवर्स मोड, ये आपको 3 बटन यहाँ पे मिल जाएंगे। और हॉर्न इसका आपको मिल जाएगा थोड़ा नीचे के साइड में, ये हॉर्न है। और यहाँ पे आपको स्विच मिल जाएगा जो इसका चाबी लगाने का है गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, ये देख सकते हैं आप, ये इस प्रकार से किसके लिए है, ये है। ये जो आपको बटन दिख रही है रेड कलर की, ये बटन है, इसका काम है कि जब आप गाड़ी खड़ी कर देते हैं किसी भी जगह पे और आप नाइट में अगर गाड़ी खड़ा कर रहे हैं, दिन में खड़ा कर रहे हैं, तो आप ये स्विच को ऑन करेंगे। इससे क्या है, गाड़ी की चारों इंडिकेटर चारों तरफ के चालू हो जाएंगे तो गाड़ी आपकी पार्किंग की जगह में खड़ी हो जाएगी। इसके बाद में ब्रेक मिल जाएगा आपको सामने साइड में, ड्राइवर का जो राइट पैर रहता है वहां पे हैंड ब्रेक मिल जाएगा राइट साइड में, ड्राइवर सीट के जस्ट बाजू में मिल जाएगा हैंड ब्रेक। इसके बाद में यहाँ पे एक स्विच का काम यह है कि जब आप गाड़ी को चार्ज में लगाते हैं और जब आपकी गाड़ी चार्ज होते रहती है और उस टाइम अगर आप इसको एक बार दबा के छोड़ देते हैं तो जब आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से कट हो जाएगा, पावर सप्लाई इसके मिलना बंद हो जाएगी और आपकी बैटरी को एक्स्ट्रा पावर नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा करंट उसमें नहीं जाने वाला है।
ओवरऑल गाड़ी की जो सीट है, ड्राइवर सीट काफी शानदार है, आराम से ड्राइवर बैठ सकता है। पीछे टिकनी है जिसपे वो टिक सकता है, आराम से दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आप अपने जरूरत के हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, मॉडिफाई करवाने के समय आप अगर चाहें कि इसको ज्यादा बड़ी करना है तो आप कर सकते हैं। इसकी जो इसका जो हुड है, सामने आपको हाफ जो हुड मिलेगा वो लोहे वाला मिलेगा, और पीछे के साइड में आपको रेगजिन वाला मिलेगा, और काफी शानदार मजबूत इसका जो जाल बना हुआ है वो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे एक अंदर के लिए शीशा मिल जाएगा जिससे कि आप अंदर बैठे बैठे पैसेंजर के ऊपर नजर रख सकते हैं और पीछे भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वाइपर की बटन मिल जाएगी और यहाँ पे लाइट भी है जिससे कि आप नाइट में यूज कर सकते हैं। और ये वाइपर की बटन आपको ड्राइवर के जस्ट सर के पास में मिल जाएगी। मित्रों, ओवरऑल गाड़ी का जो साइज है, अंदर बैठने की जो जगह है, काफी ज्यादा स्पेस है, आपके सर में बिल्कुल भी टच होने वाला नहीं है। अब इसका जो पीछे का लुक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीछे की सीट कैसी है। बस बस हो गया मित्रों, आप इस साइड से देखेंगे तो यहाँ से भी देखने में काफी शानदार आपको गाड़ी लगेगी। व्हाइट कलर में ब्लैक कलर का इसका रेगजीन है, काफी शानदार लग रहा है कलर। इसमें आपको हाफ डोर मिलेगा, देख सकते हैं हाफ दरवाजा है। तो मित्रों, ये गाड़ी एकदम न्यू है, अभी आज ही आई हुई है रात में, और ये कस्टमर को डिलीवर करनी है। देख सकते हैं ये जो सीट है, तीन सवारी की पासिंग मिलेगी यहाँ, तीन सवारी की यहाँ, टोटल आप छह सवारी बैठाएंगे इस गाड़ी में, छह सवारी और एक ड्राइवर, टोटल सात सीट की पासिंग मिल रही है आरटीओ से भाई। देख सकते हैं इसका जो आपको हैंडल मिल जाएगा बैठने के बाद में, सवारी आराम से बैठ सकती है और सपोर्ट के लिए हैंडल का यूज कर सकती है। इसका जो बीच में स्पेस है काफी ज्यादा है, दोनों साइड में सवारी बैठने के बाद में पांव बिल्कुल भी टच होने वाले नहीं है। कि अभी ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे दो समझो पैसेंजर भी बैठे हुए हैं, लेकिन जो इनके पांव हैं बिल्कुल भी टच नहीं हो रहे हैं, काफी ज्यादा स्पेस बच रहा है बीच में, और पूरी तरह से आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो तीन और तीन छह सवारी तो आराम से बैठ जाएगी, अगर सवारी एडजस्ट करने लायक है तो आप चार चार भी बैठा सकते हैं। और आज के डेट में बड़ी गाड़ियां बहुत सारे लोगों की डिमांड है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको ज्यादा सवारी बैठाने वाली गाड़ी मिले, तो आपकी डिमांड को पूरी करते हुए हम लेकर आ रहे हैं बहुत ही शानदार वीडियो। वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल रही है। जो पीछे का टायर है काफी बड़ा मिलेगा, ये भी 12 इंच का टायर मिल जाएगा आपको। बाकी जो इसके फीचर है, इसकी कीमत है, वारंटी वगैरह क्या है, आपको मिलेगी जानकारी। हम बात करेंगे यहाँ के जो सर जी हैं उनसे बात करेंगे और आपको एक पूरी और सही जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, हम आपको एक सही जानकारी देने के लिए यहाँ के जो सर जी हैं ओनर हैं अनिल मिश्रा जी, हम उनसे बात करेंगे और उनसे बात करने के बाद में आपको देंगे एक सही जानकारी, क्योंकि आपको जब तक सही जानकारी नहीं होगी तो आप संतुष्ट नहीं होंगे। जो ये गाड़ी है हमारे सामने में, ये भी गाड़ी है, लगभग चार पांच गाड़ी आज रात में आई हुई है, और ये 7 सीटर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है, ई रिक्शा है। तो 7 सीटर गाड़ी बहुत कम अभी मार्केट में है, और अभी तक कोई कंपनी की है ही नहीं। अभी तक जहाँ तक मैं देखा हूँ तो 3+1 और 4+1 की ही देखा हूँ। ये पहली गाड़ी है भारत में मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं लगभग 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के ऊपर, तो मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी है। तो इस गाड़ी में क्या क्या फीचर है, क्या क्या खास है, गाड़ी की कीमत क्या है, गाड़ी का रेंज क्या है, अगर कोई लेना चाहता है तो कैसे कॉन्टेक्ट करेगा, कैसे यहाँ तक पहुँचेगा, आपको मिलेगी पूरी जानकारी। तो सर जी नमस्कार। सर जी आपका नाम क्या है? अनिल कुमार मिश्रा। अनिल कुमार मिश्रा जी, जी सर, जैसे हमारे सामने में सम्राट की इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शे है जो 6+1 की पासिंग है, सर इसके बारे में थोड़ा बताइए कस्टमर को, ये गाड़ी में क्या क्या ऐसे फीचर है, क्या क्या उसमें फैसिलिटी है जो कि अदर गाड़ियों में नहीं है, अगर कस्टमर इसको खरीदता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फायदा होने वाले? पहला फायदा आप देखेंगे, अभी तक आपने देखा होगा 3+1 की, आप तमाम चाहे बजाज हो, आपका महिंद्रा हो, पियाजो, 3+1 की पासिंग है। बिल्कुल, हमारी गाड़ी जो है एक 6+1 में पासिंग, सेम टू विक्रम का रिप्लेसमेंट समझिए। अच्छा, विक्रम का रिप्लेसमेंट है ईवी में, 6+1 में पासिंग है, कहीं पे पूरे लगभग किसी भी रोड पे चलने के लिए ये परमिशन है, कहीं पे जहाँ ये बैन नहीं है किसी तरह से। अच्छा, हर रूट पे चल सकता है। ओके, और रसांदी का इसका जो है
जो मैन्युफैक्चरर सांदिक कंपनी करती है, सन इंजीन प्राइवेट इंडिया लिमिटेड करके है। अच्छा, सम्राट इलेक्ट्रिक नाम से इनका चल रहा है। सम्राट इलेक्ट्रिक, हाँ, सम्राट इलेक्ट्रिक। अच्छा सर, जैसे ये सात सवारी पासिंग है इसमें, हाँ, तो ट्रैफिक पुलिस आरटीओ कोई भी इसको रोकेगा नहीं? रोकेगा नहीं, आपको आरसी पे लिख के मिलेगा। अच्छा, आरसी पे लिख के मिलेगा, सामने भी 6+1 लिख रखा है। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 6+1 लिखा हुआ है, 6+1 लिखा हुआ है, आरसी पे भी यही लिख के मिलेगा। अच्छा, तो मित्र आप समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस पे लिखा हुआ है, आपको गाड़ी में भी मिल रहा है और आपकी जो आरसी बुक रहेगी उसके ऊपर भी लिखा हुआ मिलेगा 6+1, यानी कि 6 सवारी और एक ड्राइवर। और जब 7 सवारी की आपको पासिंग मिलेगी 7 सीट की, तो आप उसमें अगर कम ज्यादा एक आध दो बैठा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और बिंदास कमाई का जरिया आपके साथ बनने वाला है। आपको इस गाड़ी को खरीद कर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जी सर जी, आप इसकी जो कीमत की बात की जाए तो इसकी ऑन रोड अभी कीमत क्या है? ये ऑन रोड कीमत जो है 3,35,000 रुपया है इस गाड़ी का। 3,35,000, ओके। और यदि वो कैश परचेजिंग करता है जी तो 10,000 रुपया तुरंत डिस्काउंट है। 10,000 डिस्काउंट हो जाए 25,000 रुपए में। 3,25,000 रुपए में कैश में अगर कोई लेगा तो उसको 10,000 का डिस्काउंट करके 3,25,000 में गाड़ी मिल जाएगी। मिल जाएगी वाली गाड़ी है अपनी, उसका जो चार्जिंग का टाइम है वो क्या लगने वाला है? 3 से 3.5 घंटे की। अच्छा, 3 से 3.5 घंटे में गाड़ी। सबसे प्लस पॉइंट है हमारे गाड़ी में कोई अर्थिंग की से रिक्वायरमेंट नहीं है, कि अर्थिंग रिक्वायरमेंट है जी, कहीं जी, पर भी लगाए वो चार्ज होती रहे। अच्छा, जैसे कि बहुत सारी कंपनियों का मैंने रिव्यू लिया है, उनमें देखा है वो बोलते हैं सर जी कंपनी वाले आए थे उन्होंने अर्थिंग लगाया है, उसका 4,000 रुपए अलग से लिया है। आपकी कोई अर्थिंग की सुविधा नहीं है, उसमें कोई अर्थिंग लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। तो ये नॉर्मल जो घर की लाइट है उसी पे चार्ज हो जाएगी और चल जाएगी, कहीं भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और नॉर्मल 3 से 4 यूनिट में वाईटी आपकी फुल हो जाएगी। अच्छा, यानी कि 3 यूनिट का खर्चा होगा, हाँ, और आपकी गाड़ी 0 से 100% फुल चार्ज हो जाएगी। ठीक है सर जी, एक बार जैसे इसको फुल चार्ज करेंगे तो कितने किलोमीटर तक चलेगी? जब आप फुल लोडेड होगी 6+1 पे चलेगी 40-45, यदि आप ओवर लोडेड होते हैं। अच्छा, तो आप 30-35-20 तक का, अब निर्भर करता आप लोड कितना लिए। अच्छा, 6+1 की ही लोडिंग है, हाँ, आराम से 40-45 आप चलाइए। ओके, तो मित्रों मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि अगर आपकी जो गाड़ी में क्षमता है जितनी पासिंग है आप सिर्फ उतनी सवारी लेकर चलते हैं, यानी कि 6 सवारी और एक ड्राइवर, टोटल अगर 7 सवारी लेकर आप चलते हैं तो आपकी गाड़ी का रेंज 140+ ही मिलने वाला है। अगर आप सवारी ज्यादा बैठाते हैं, ज्यादा लोडिंग डालते हैं, तो फिर आपकी गाड़ी रेंज थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, तब भी लगभग 125+ ही आपकी गाड़ी चलने वाली है। जी सर जी, ये बताइए सर, इसकी जो बैटरी की वारंटी है वो कितने साल की मिलती है? बैटरी 25 एम्पियर चार्जर के साथ देते हैं। सारे पैरेंट हमारा लेड में भी है जो की थोड़ा सा कम्फर्टेबल रेट है, 3,35,000 में वो आराम से 40-45 चलेगी। अच्छा, और किसी की बैटरी खराब होती है तो उसमें ये है कि मान ली आपकी बैटरी 2 साल बाद खराब भी होती है जी, तो आराम से हर किसी फाइनेंशियल को अफोर्ड कर सकता है। ओके ओके, ठीक है। अच्छा सर, जो इसका मोटर है, चार्जर है, कंट्रोलर है, उसके वारंटी कंपनी क्या दे रही है? चार्जर कंट्रोलर मोटर के बारे में बता दो आप दिखाएंगे। ये देखिए 4,000 वाट का मोटर लगा हुआ, पूरा वाटर प्रूफ है। तो मित्र आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको 4,000 वाट का हैवी मोटर मिलने वाला है। मोटर को तो मित्रों ये आपको 4000 वाट का हैवी मोटर मिल रहा है और ये मोटर पूरी तरह से वाटरप्रूफ है, अगर पानी वगैरह जाता है तो इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, बहुत ही हैवी मोटर है। और इसमें एक आपको मजबूत चेचिस मिलेगा पीछे, और जैसे कि आप ये देख रहे होंगे फ्रंट साकर का, साकर ये साकर देख रहे होंगे फ्रंट साकर का, ये दोनों तरफ आपको अभी तक जितने विक्रम जितने चल रहे हैं वन साइड सागर आपको मिल रहा होगा, इसमें आपको दोनों साइड साकर मिल रहे हैं। ओके, तो मित्रों आप ये देख सकते हैं जो साकर है ये बहुत ही हैवी साकर है, दोनों साइड में है, इस साइड में भी है और इस साइड में भी है, दोनों साइड में है। तो इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो काफी शानदार बना रहेगा और गाड़ी आपकी अगर लोडिंग भी ज्यादा है तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और MRF का टायर जैसे आप देख रहे होंगे, MRF का टायर काफी लोग यूज करते हैं बड़ी गाड़ियों में, गाड़ियों में मैंने MRF का टायर दे रखा है, टायर भी हमारे काफी बड़े हैं। ओके, चार्जर और मोटर की गारंटी 2 साल की, चार्जर की 2 साल की है, हम चार्जर यहाँ यूज करते हैं UTL का। अच्छा, UTL का चार्जर 2 साल में घर सर्विस है, मतलब वो घर में उसके खराब हुआ कस्टमर केयर फोन करके बंदा जाके घर पे बना के आएगा। अच्छा, अगर कोई भी गाड़ी होता है उसका चार्जर खराब होता है तो भाई आपको सर्विस सेंटर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर में ही जाके जो इंजीनियर है जो भी अधिकारी है इसको सर्विस सेंटर वाले
वो आपके घर पे आएंगे और वहीं पे आपको जो इसकी प्रॉब्लम है वो समस्या को हल करेंगे और आपका चार्जर सही हो जाएगा। यदि इन केस किसी को चार्जर नहीं मिल रहा है, टाइम लग रहा है उसमें, मेरे यहाँ आएंगे वो चार्जर में उनका जो है रिप्लेस करके तुरंत उनको हम सर्विस चार्जर देंगे ताकि उनका काम बाधित ना हो, काम और चार्ज उनको दे, चार्जर हम बनवा के फिर उनको हम ओके चार्जर ले लेंगे। ओके तो सर जी आप ये बताइए कि जो गाड़ी है इसकी टॉप स्पीड क्या है, इसकी कितनी स्पीड तक टॉप स्पीड के बारे में, जैसा कि आपने ये गाड़ी आप देख रहे हैं नॉर्मल स्पीड पे आप जो है 55 से 60 आप चलाइए। अच्छा। लेकिन आपको बहुत ज्यादा कहीं जरूरत है, जैसा आप देखेंगे ये मेरे गियर लगी हुई है, इसमें गियर हुई है, हाई स्पीड पे आप जैसे जाते हैं, जैसे आप हाई स्पीड पे लेके जाते हैं ये देखिए गियर है। अच्छा। पे हाई स्पीड पे जैसे आप इसको एंट्री कर देते हैं आराम से इसको 70-75-80 तक का आप स्पीड ले जाइए। अच्छा। और आपको पहले सबसे पहले कि ब्रिक जो है पावर ब्रिक है। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक पावर इतनी अच्छी है, आप ब्रिक हमारे गाड़ी में खड़ी है चूंदे पूरी होनी। ओके। तीसरी और एक आपको विश्वास दिलाएं, आपको जो पैसेंजर पीछे बैठेगा ना उसका पेट मतलब हिलना नहीं है उसको। अच्छा। कहीं से भी आप रिक्शा बैठ जा रहे हैं, आपने अभी और गाड़ियां जैसे पिया जो महिंद्रा का भी बैठ के देखा हूं तो ड्राइवर भी हिलता रहता है, कहीं खट खुट हुआ तो ज्यादा वाइब्रेट होती है वो, और रोड गड़बड़ है तब भी हिलता है। इसमें आप बैठ जाएंगे तो गाड़ी तो आपको हिलना नहीं है। अच्छा। बिल्कुल कंफर्टेबल बनाई गई, यानी इतना सस्पेंशन इसका सामना किया गया है कि आपको झटके वगैरह बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा, एहसास नहीं होने वाला। ओके। मित्रों ये जो है ये एक लीवर यहाँ पे दिया गया है, ये आपका गियर का काम करेगा। अगर आपकी कोई छोटी मोटी घाटी है, चढ़ाई है, कोई नाली में आपकी गाड़ी फंस रही है और नहीं चढ़ पा रही है, उस टाइम पे आप इसका यूज कर सकते हैं। प्लस अगर आपको ज्यादा स्पीड में चलाना है, जल्दी जाना है किसी जगह पे, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे गाड़ी आपकी 70+ तक स्पीड पकड़ती है, तो ये बहुत ही शानदार कमाल का फीचर है। इससे क्या है कि आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होने वाली नहीं है, गाड़ी में ताकत आपकी एडवांस बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। इसका जो सस्पेंशन सिस्टम है बहुत ही शानदार है, सवारी को और ड्राइवर को दोनों को आरामदायक है। बैठने के बाद में दचके वगैरह में बहुत ही कम आपको तकलीफ और दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और उसी अच्छा कंप्लेन नाम की कोई चीज है ही नहीं। अच्छा। और विश्वास दिलाएं जो प्रॉपर सर्विस कराते रहेंगे कोई कंप्लेन है ही नहीं गाड़ी। ओके। कहीं से भी। ओके। और इस गाड़ी का कुछ भी एक स्विच भी खराब होती है, एक स्विच भी ऐसा कहीं होता नहीं, एक स्विच भी खराब होती है तो उसपे हम जो है विदाउट पे अच्छा हम उसको एक्सचेंज करके देंगे। ओके। अच्छा सर जी एक बात ये बताइए कि जो इसकी पहली सर्विस है कितने किलोमीटर पे करानी पड़ती है? पहली सर्विस के लिए जहां तक कहेगी इंजन रवा होने के लिए हम लोगों ने निर्धारित किया है कि 1500 किलोमीटर के बीच में आके वो चेंज करा ले। 1500 के बीच में एक बार ऑयल वगैरह चेंज हो जाए, नट बोल्ट वगैरह सारे टाइट हो जाए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। ऑयल वगैरह नहीं लगेगा, कोई ऑयल कोई चार्जेबल नहीं। ओके। दूसरी सर्विस उसका जो है हम लोगों ने निर्धारित किया 3000 किलोमीटर पे, 3000 किलोमीटर। उसके बाद 10000 किलोमीटर पे उसको सर्विस करानी है, ऑयल हर 2500 किलोमीटर पे उसको चेंज कराते रहना, 3000 किलोमीटर जो नॉर्मली कास्ट आती है उसकी सर्विस। चार सर्विस फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसे नहीं लग रहे हैं चार सर्विस के, केवल आपको जो 2500 किलोमीटर ऑयल चेंज करना होता है केवल ऑयल के ही पैसे लगने हैं। अच्छा सर जी एक बात ये बताइए कि जो आपने 52 गाड़ियां अभी तक आपने बेच दी है लखनऊ से जी, तो जो कस्टमर गाड़ी लेके गए हैं उनका फीडबैक क्या मिलता है आपको? कस्टमर कितने संतुष्ट हैं और क्या बोलते हैं दूसरी गाड़ी का कंपैरिजन करके बताते हैं? से उनके फीडबैक से ही मैं 52 गाड़ियां सेल कर पाया हूं जी, मात्र 3 महीने का है, आपको बताओ 3 महीने का रिव्यू। अच्छा, है 3 महीने में 52 गाड़ियां सेल किया है कि एक ले गए, दो ले गए, तीन ले गए, जब उनको अच्छा फीडबैक मिला और उनके हर कमिटमेंट हम लोगों ने खरे उतरे तो उन्होंने रिफर किया, उन्हीं की बदौलत आज हम 52 गाड़ियां 3 महीने में। और आपको बताऊं ये 4 गाड़ियां उतरी हुई ऑलरेडी, 8 गाड़ियां की फैक्ट्री वाले माल नहीं दे पाए। ओके। और ये आज ही शाम को हैंड ओवर होनी है, भैया को आना था इसलिए रो रखा था। ये ऑलरेडी 4 गाड़ियां की लोन वगैरह हो चुका है, सारी चीज इनकी फाइनल हो चुकी है, अभी शाम को हैंड ओवर होंगी, 4 बजे 7 में हैंड ओवर होंगी। उसके बाद फिर मेरे पास अभी 8 बुकिंग पड़ी है जिनका कुछ का प्रोसेस हो रहा है, कुछ को लोन हो गया है कि नहीं की चेक पेंडेंसी है, तो सारी चीज पूरा कंप्लीट होने के बाद उनको भी दे दिए। और ये हर हफ्ता हर तीसरे दिन आपको बताएं कि हर हफ्ता मेरी लॉट आती रहती है। ओके। तो मित्रों जो भी जानकारी आपको बताई गई है और एसिड बैटरी के बारे में, तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी बताई गई है आपके समझ में आ गई होगी। जो हमारे सर जी है इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आपको जानकारी बताई है, तो सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताएं सबसे अच्छा लोकेशन है टेढ़ी पुलिया पे, आप किसी से भी टेढ़ी पुलिया आप कहीं पर भी हैं, टेढ़ी पुलिया चौराहा बहुत फेमस है लखनऊ का, टेढ़ी पुलिया से कुर्सी रोड वाले रिंग रोड टेढ़ी पुलिया से ये आपका इंडिविजुअल होंडा शोरूम के जस्ट बगल मेरा ये शोरूम है, बोर्ड में है, बोर्ड दिखा दो एक बार, बोर्ड ऐसा
और खुद हम ए बी सेक्टर में मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तो मित्रों वीडियो को पूरा देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं खत्म। तो इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।